तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। और अभी हम लोग हैं कुसमा ब्रिज क्रॉस कर गए हैं, कुसमा ग्यारी ब्रिज, और बाइक हमारी यहाँ लगी हैं। अब वापस जा रहे हैं फिर से यहाँ से। पीछे का व्यू, और यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं। और दीपांशु भाई को थोड़ा डर लगा था, लेकिन उनकी बाइक आ गई। एक्चुअली उनकी बाइक में थोड़ा सा लगेज भी है, हम लोग लगेज लेके निकले हैं यहाँ से साथ में। अब यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट पोखरा, और उसके बाद कल परसों में हम लोग निकल जाएंगे अपने अपने जगह घरों के लिए। पीछे का व्यू देखो, बहुत ज़बरदस्त है, दिख रहा है। तो दीपांशु भाई लगे हुए हैं फ़ोटो खींचने में। चलो तब तक मिलते हैं, सो फार सो गुड। वापस जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकलेंगे पोखरा। पुल पर थोड़ी सी भीड़ है, बट इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, बट निकलते हैं। अब हम आ गए पुल पर, एक बार पुल से होकर आए हैं तो इतना डर नहीं लग रहा। नीचे तो देख नहीं रहा हूँ, नीचे देखने का एक्चुअली मतलब नहीं, क्योंकि मुझे सामने कॉन्सेंट्रेट करना है। लोग भी आ रहे हैं, ओहो, तो ये बीच में खड़ी करना बड़ा रिस्की लग रहा था। पुल साथ में साथ हिल भी रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे लोग निकल गए पुल से। और नीचे देखने की नहीं हो रही है, कुछ हाथों में दर्द होने लगा क्योंकि एक्सेलरेटर को कंट्रोल करना है। खींच लिया हजूर, थैंक यू। लोग बड़े अच्छे से रास्ता देते हैं। पत्थर है यार भैया, ये सरक गया है। थैंक यू। इन भैया ने हेल्प कर दिया मेरा थोड़ा सा, नहीं वीडियो बना रहा हूँ ना, इंडिया से आया तो बाइक एक्चुअली चढ़ नहीं रही थी, पत्थर सरक गया था। लोकल लोग आ रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं कुसमा से वापस पोखरा। तकरीबन लगेगा यहाँ से हम लोगों को 2 घंटे, और जैसा कि आपको पता होगा हम लोग कुसमा में ही रुके थे,
आगे जाम लगा हुआ है, शायद लैंडस्लाइड हुई है। नेपाल बहुत खूबसूरत है और उतना ही डेंजरस भी रास्तों के मामले में, कुछ रास्तों के मामले में। और हमारे दीपांशु भाई भटाभट निकल लिए कहीं, आगे रुके होंगे, कहाँ जाएंगे। तो लॉक है, पत्थर गिरा है तो मशीनें सारी लगी हुई हैं। रास्ता क्लियर होने में मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेगा। तो अभी कुशमा पोखरा वाले हाईवे पर हैं और अभी पत्थर तोड़कर रास्ता क्लियर करा जा रहा है। हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा, मशीनें बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। और गाड़ियों की लंबी लाइन है पीछे, और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी है। ये पत्थर वहाँ से तोड़ा गया है फिर इसको, ताकि जो है लैंडस्लाइड में पत्थर अपने आप ना गिर सकें। इनको पहले तोड़ा जाता है फिर रास्ता क्लियर करा जाता है। रास्ता क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है यहाँ पर लग रहा है। तो हम निकल पड़े हैं फिर से, मतलब बरसात ने हम लोगों की भद्द पीट दी, मतलब बरसात ने हम लोगों की ऐसी की तैसी कर दी। हम लोगों की क्या, इनफैक्ट जो भी आया होगा इधर, बाकी यहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, हालांकि वो यूज टू हो चुके हैं इन सब चीज़ों के। ओहो बारिश, भाई साहब इसने तो नहला दिया था हम लोगों को। कितनी गंदी बारिश हो रही है, यहाँ का बारिश का कोई भरोसा नहीं है, अगर बारिश के सीजन में खास तौर पे। यहाँ पर कल भी स्लश था लेकिन आज बारिश की वजह से स्लश और ज़्यादा स्लश है। कल कम था आज ज़्यादा हो गया है। आंधी आए, तूफान आए, गर्मी हो, लेकिन जब ये स्लश आते हैं तो ऐसे की तैसी कर देते हैं। इतना संभाल के चलाना पड़ता है कि अब गिरे कि तब गिरे। गाड़ी तो ऐसी सांप की तरह इधर उधर लहराती है कि पूछिए मत। आने का प्लान फिर से करूँगा नेपाल, मुस्तांग के लिए तो फिर से करूँगा मैं। और हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर बाद, लगभग अभी भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा। 15 किलोमीटर है पोखरा। अब मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है, धूप आ रही है, जा रही है। पूरा सोनमर्ग की याद दिला रहा है।
फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं पोखरा सिटी में, आ गए हैं, अब जा रहे हैं होटल। एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि आज नरम नरम बिस्तर पे सोएंगे। कल पता नहीं, कल जहाँ पर बेड पर सोए थे जिस होटल में, इट वॉज़ गुड बट इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन थकान थी बहुत ज़्यादा तो नींद आ गई कुछ। ये मैं बात कर रहा हूँ कुष्मा की। होटल आपको यहाँ पर बार्गेन करने पर सस्ते में दे देंगे, वो हज़ार हज़ार नेपाली करेंसी में बोलेंगे तो 600-800 रुपए तक आ जाएंगे। पोखरा की जो काफ़ी पॉश मार्केट है ये वो है, काफ़ी सारे अच्छे सारे होटल हैं यहाँ पर, क्लब हैं, पब हैं, आपको यहाँ पर आकर गोवा की फीलिंग आएगी, ऐसा मेरा फ्रेंड बोल रहा है, क्योंकि तो मैं तो कभी गोवा नहीं गया। किसको? कहाँ पर वो जो पीछे थी? हाँ, दीपांशु भाई को प्यार हो गया था बोल रहे हैं, किससे हुआ ये नहीं बताया उन्होंने। साइड में जो आप देख रहे हैं वो उधर वो लेक है सारी की सारी, अभी हम लोग लेक जाएंगे बाद में। मैं अब पहुंच चुका हूँ गेस्ट हाउस, अरे कहाँ गया पूरा हमारा आशियाना, दो तीन दिन के लिए जो हमने बुक करा हुआ था। तो फाइनली हम लोग पोखरा पहुंच गए हैं, होटल में रुके हैं और काफ़ी हैक्टिक डे था हमारा, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। सारा सामान बिखरा हुआ है और हम लोग पूरे बारिश में भीगे हुए थे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।